नमस्कार जी, मैं रंजना सबरवाल आप सबको पहले से ही होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा वीडियो ये बनाने का पर्पस था कि होली के त्योहारों में दो चीजें हमें बहुत महत्व रखती हैं, एक गुझिया और एक अबीर रंग गुलाल। गुझिया तो हम सभी घर पर बना लेते हैं, मगर गुलाल का क्या करें? गुलाल खरीदने के लिए हमें फिर मार्केट की तरफ जाना पड़ता है। मार्केट में मिलने वाले सभी रंग अबीर गुलाल केमिकल से भरे हुए होते हैं, और होली जब खेली जाती है तो अपनों के साथ ही खेली जाती है। और जब ये रंग गुलाल अपनों को लगाए जाते हैं और उससे अगर उनको कोई दिक्कत आती है, चर्म रोग हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी जैसे आंखों में की प्रॉब्लम आ जाए, अगर आंख में गिर जाए तो होली का रंग बदरंग हो जाता है, फीका हो जाता है और तकलीफ होती है परिवार को, सभी को होती है। तो उससे क्या किया जाए? क्या रंग गुलाल लगाना बंद कर दें तो होली का क्या महत्व रह जाएगा? तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा इसीलिए क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ये अबीर बनाने की रेसिपी कहीं से सीखी थी। तो गौधुली की ओर से मैं आपके साथ इस रेसिपी को साझा करना चाहती हूँ ताकि हम और हमारे सभी स्वस्थ रहें और होली का आनंद अच्छे से ले सकें। घर पर गुलाल बनाना बहुत आसान है। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, दो में से कोई एक चीज़ रख लीजिए। या तो एरा रूट होता है वो ले लीजिए, या कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। मैं आपको जो बताऊंगी अभी एरा रूट होगा मेरे पास, मैं उससे बनाना बताऊंगी। उसमें रंगों में क्या क्या के लिए क्या इस्तेमाल करना है, मेरे पास बीट रूट है यानी कि चुकंदर, वो गुलाबी डार्क गुलाबी रंग देने के लिए, और पालक है हरा रंग देने के लिए, और रसोई में उपलब्ध हल्दी है पीला रंग देने के लिए। तो आइए बनाना सीखते हैं। ये चुकंदर है, इसको छील लिया गया है। छीलने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और मिक्सी में इसको पीस लेंगे। पीसने के वक्त इसमें पानी के का इस्तेमाल करेंगे, पानी थोड़ा डालेंगे, जितना कम हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि गुलाल बनाने में आसानी हो। बीटरूट से बनाया गया गुलाल का रंग कुछ इस तरह से आएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, मैं आपको कैसे बनाते हैं वो रेसिपी भी बताती हूँ। ऐसे ही हरे रंग का गुलाल बनाने के लिए पालक का इस्तेमाल किया है। पालक की डंडियों का जरूरत नहीं है, इसको छोटे टुकड़े करेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने के वक्त अगर पानी की तो आवश्यकता हुई तो कर लेंगे, अदरवाइज इसमें खुद अपना पानी काफी होता है। अभी थोड़ी देर पहले इसको भी बनाया है तो इसका रंग इस तरह से आया है। अभी ये गीला है। इसको धूप में रखने का भी प्रोसेस बताएंगे, वे बाद में रखा जाएगा जब तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी से ये रंग का गुलाल आएगा, बनके तैयार होगा। और एक चौथा रंग, हल्दी और चुकंदर दोनों का मिश्रण करने के बाद इसमें संतरा संतरा कलर जैसा ऑरेंज कलर इसमें आएगा, ये भी एक चौथा रंग तैयार हो जाएगा। एरो रूट ले लिया है। अब इस एरो रूट में ये चुकंदर का जूस है, थोड़ा सा पानी मिलाकर बाकी चुकंदर का जूस निकाल लिया है मिक्सी में। इसको हम इसमें डाल देंगे जरूरत के मुताबिक। मार्केट में जाते हैं तो हम गुलाल जो लाते हैं इसमें खुशबू भी होती है, हमें आर्टिफिशियल खुशबू नहीं डालनी है। ये एसेंशियल ऑयल है, लेवेंडर का मैं यूज कर रही हूँ। अगर एसेंशियल ऑयल नहीं ले सकते हैं तो आपके घर में इत्र पड़ा है तो वो ले लीजिए, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। आरारोट लिया, आरारोट में हमने बीट रूट का जूस डाल दिया और खुशबू के लिए एसेंशियल ऑयल।
ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है इसमें, बहुत आसान है घर पर बनाना। अगर हम इसमें एसेंशियल ऑयल नहीं डालते ना, तो हम ये हम अपने भोजन में भी डालकर खा सकते हैं, ये इतना सुरक्षित है। ग्रेवी को थिक करने के लिए हम एरोरूट यूज करते हैं, या आरारूट बोले या एरोरूट बोले, इसका इस्तेमाल करते हैं, वही है। ये देखिए बस बन गया ये। इसको हम इसी तरह फ्लैट किसी बर्तन में, प्लेट में डाल देंगे, ताकि ये सूखने में जल्दी आसानी हो, जल्दी से सूख जाए। अब हम पालक का बनाएंगे गुलाल, बिल्कुल प्राकृतिक गुलाल। ये भी पालक के टुकड़े करके छोटे छोटे उसको मिक्सी में पीस लिया गया है। इसमें पालक में पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी डालने की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें, जरूरत के हिसाब से इसमें ये डाल देंगे। और खुशबू के लिए मैंने इसमें फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल डाला है। एक बूंद काफी है। ये गुलाल होली गुजर जाने के बाद जो बच जाते हैं उसका भी वेस्टेज नहीं होगा। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ रंगोली बनाने में। हल्दी होती है एंटीबायोटिक, वो बहुत काम आती है, दरवाजे पे डालना शुभ माना जाता है। पिछले साल का गुलाल भी मेरे पास अभी रखा है, उसको मैंने एक बॉक्सेस जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं वो वाले बॉक्स में डाल दिया, और उसका रंगोली के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसको भी इस तरह फ्लैट बर्तन में किसी में रख देंगे, ताकि सूखने में आसानी हो। इसमें एसेंशियल ऑयल डाल दिया है, फ्रैंकिनसेंस वाला मैंने ये इस्तेमाल किया है, और ये मैंने पालक का जूस इसमें डाल दिया था, और बस ये दो चीजें डालनी है एरोरूट में, और ये मिक्स हो गया है और ये तैयार हो गया है। ये देखिए इसको प्लेट में डाल देंगे, इस तरह से फ्लैट बर्तन में किसी में डाल देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। अब इस दूसरे पोर्शन में आरारूट में ही हम हल्दी का पानी डालेंगे। हल्दी को पानी में घोल लिया है और इसको जरूरत के मुताबिक मिला लेंगे। इसमें एसेंशियल ऑयल मैं सिट्रो नीला का इस्तेमाल करती हूँ, येलो कलर है तो सिट्रस कलर डालेंगे तो इसका इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एक बूंद डाल ली। एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है, ये मार्केट के गुलालों से कहीं ज्यादा खुशबूदार और सौम्य लग रहा है।
ये देखिए बनके तैयार हो गया है। इसको भी बिल्कुल इस तरह प्लेट में डाल लेंगे। ये जो ऑरेंज कलर बनाया था, बीट रूट में थोड़ा सा हल्दी डालकर, हल्दी ज्यादा और बीट रूट जूस कम, तो ये ऑरेंज कलर आ जाता है। बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है। हमने चार गुलाल तो बना लिए हैं, अब बच्चों के पिचकारी में इस्तेमाल करने वाला रंग की तैयारी करनी है। ये हमारे पास पलाश के फूल हैं, सूखे हुए फूल हैं। ताजे फूल अगर उपलब्ध ना हो तो पंसारी की दुकान से ये हमें मिल जाते हैं। ये लेकर इसको पानी में डुबो कर रख दें, थोड़ा पानी ले लें। जैसे ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें ये डुबो कर रखा है, ये आधे घंटे पहले का डूबा हुआ है। ये देखिए इतना रंग तो आ गया है। इसको पूरी रात डुबा के रखेंगे तो काफी रंग छोड़ देगा ये। अगले दिन बाल्टी में पानी भरिए, उसमें इस पानी को छान कर डाल दीजिए, पिचकारी का रंग तैयार है। और जल्दी अगर इसका रंग निकालना है तो पतीले में इसको डालकर उबाल लीजिए और रात भर उसको सोख करके रहने दीजिए। अगले दिन पानी की बाल्टी में इसको छान कर डाल दीजिए, तो ये पिचकारी के लिए पानी तैयार है।